में निरंकारी संत समागम के कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए संत निरंकारी मिशन ने प्रेस वार्ता रखी, जिसमें तीनों दिन के एजेंडा के बारे में बताया गया और साथ ही यह बताया गया कि चारों ग्राउंड में कितनी कैंटीन है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य संबंधी डिपार्टमेंट में किस तरीके से कार्य किया जाता है, लंगर की क्या व्यवस्था रहेगी, यातायात के लिए जो श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, पंडाल में क्या व्यवस्था रहेगी, सत्संग का समय कितने से कितने बजे तक रहेगा, यह सब रेस वार्ता में बताया गया। आई सुनते हैं निरंकारी संत समागम के कोऑर्डिनेटर जोगिंदर सुखीजा को उनका इस पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है। ये छत्रवा वार्षिक निरंकारी संत समागम 28, 29 और 30 अक्टूबर 3 दिन के लिए इन विशाल मैदानों में मनाया जा रहा है, जो दिन में 2 बजे से लेके आरम्भ होगा और रात को 8 बजे तक भक्तजन अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे और 8 बजे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने आशीर्वाद प्रदान करेंगे प्रवचनों द्वारा। और इन सभी कार्यक्रमों की मूल भावना जो है वो है सुकून अंतर्मन का। इस विषय पर हम देखेंगे कि सभी कार्यक्रमों में अपने भाव प्रकट होंगे और उनको जीवन जीकर कैसे निभाया जा सकता है वो भी आप अनुभव कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लगभग 650 एकड़ में हमने सभी के रहने की, उठने बैठने की व्यवस्था की है। यहाँ 4 लंगर हैं जो दिन रात चल रहे हैं, लगभग 20 कैंटीन्स हैं जहाँ पर जलपान की व्यवस्था है, उसके अलावा 30 टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, उसके अलावा 60 प्याऊ हैं, 10 डिस्पेंसरीज हैं, 1 हॉस्पिटल है, एम्बुलेंसीज हैं और फायर टेंडर्स हैं। इस प्रकार की सभी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने अलग अलग सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट को और ड्राई वेस्ट को अलग अलग कर रहे हैं और जैसे ही ऑर्गेनिक वेस्ट को हम डेली पिकअप करा रहे हैं और जो ड्राई वेस्ट है उसको इकट्ठा करके हम उसको अलग से रीप्रोसेसिंग के लिए अलग से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको भेजें। 2 नवंबर को लगभग 66 कपल्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है शादियों के लिए और क्योंकि समागम का आरंभ अभी हुआ है तो संख्या बढ़ भी सकती है। 2 नवंबर को सुबह 11 बजे इन्हीं मैदानों पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की सानिध्य में ये शादियाँ सम्पन्न होंगी।